देख ली ना सोनझुरी का महल, तो चलो अब वापस चलते हैं। अरे थोड़ा तो अंदर चलो, बाहर से क्या होगा। ठीक है। अरे मुझसे डरो मत, मैं भूत नहीं हूँ। हम लोग डर भी नहीं रहे। वैसे आप हैं कौन? या छोड़ो, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? घूमने। लेकिन उस महल के अंदर मत जाना। लेकिन क्यों? क्योंकि उस महल के अंदर अभी भी सोनझुरी और अनुने का आत्मा रहता है। भूत भूत कुछ नहीं होता, और हम लोग उस महल के अंदर भी जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर वो तुम दोनों को पीछे से बुलाए तो पीछे मत घूमना और डरना दौड़ना भी नहीं। ठीक है, लेकिन उसको हम लोग का नाम कैसे पता चलेगा वहाँ पे? उसको सब पता है। अच्छा अच्छा, अब चलो अंदर। ठीक है चलो। अब क्या करेंगे हम लोग? चलो अंदर चलते हैं, अंदर भी कोई दरवाजा जरूर होगा इतने बड़े महल में। हाँ सही बोल रहे हो। चलो चलो अंदर चलते हैं। कौन हो तुम? कौन हो? मेरा नाम छाया है, और मैं भी तुम लोग की तरह इस महल में फंस चुकी हूँ। मैं भी यहाँ से बाहर निकलना चाहती हूँ। ओ अच्छा, तो चलो हम लोग एक साथ बाहर निकलने का रास्ता खोजते हैं। मुझे यहाँ से एक बाहर निकलने का रास्ता पता है। क्या? मुझे काला जादू आता है, हम उसकी मदद से बाहर निकल सकते हैं। हाँ ठीक है ठीक है। क्या ठीक है? अगर तुम्हें काला जादू आता है तो तुम अभी तक बाहर क्यों नहीं निकली? तुम इतने दिन तक क्यों फंसी हो यहाँ पे? अरे इस जादू में दो लड़कियों का काम होता है, एक मैं हो जाऊंगी और एक ये हो जाएगी। हाँ तुम भी किसी पर शक मत क्या करो इतना। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, चलो हम लोग अब काला जादू करने का इंतजाम करते हैं सारा कुछ।
क्या हुआ वरना क्या हुआ? और छाया कहाँ चली गई? शरीर अपर्णा का है लेकिन आत्मा संजुली का, और वो छाया और कोई नहीं थी, मैं ही थी, और तुम लोग मेरे जाल में फंस गए। तुमने हमारे साथ धोखा क्यों किया? अपर्णा तुम मेरे काबू में है अब, और अब तुम्हारी बारी है। नहीं नहीं बेटा बेटा ये लो मेरा डंडा और इसे मार दो और इसे मार दो और इसे मार दो। लेकिन वो मेरी दोस्त है, और अगर तुम अभी इसे नहीं मारे तो ये तुम्हें मार देगी, ये तुम्हें मार देगी। मैं आ गई अभिजीत। लेकिन मैंने तो तुम्हारे शरीर को मार दिया था, तो फिर ये सब तो मुझे नहीं पता क्योंकि संजुली ने मुझे प्रपोज कर दिया था, और मैं अभी जा रही और मैं सीधा तुम्हारे पास आ गई। हाँ हाँ छोड़ो छोड़ो।